नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट पे डिस्प्ले करता हूँ और उसी का थ्रू मैं रेगुलर व्यू देता हूँ, रिकमेंडेशन देता हूँ मेरा वेबसाइट पेज पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप के यूट्यूब वीडियो के द्वारा, उसी को मैंने आप लोग को स्क्रीन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में डाटा में जाइए, मीटर लगाइए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को कॉल दीजिए। मैंने रोज ही बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी को आप लोग एक बार, आज सेल साइड में दिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी को एक बार ठीक से स्क्रीन कर लेंगे तो आप कोई भी ट्रेड सेटअप यूज़ कीजिए, कोई भी ट्रेड सेटअप, कोई भी इंडिकेटर देके यूज़ कीजिए तो प्रोबेबिलिटी टू भी हो गया, कोई यूज़ कीजिए वो आप लोगों को फेवरेबल दिखाएगा, जिस साइड में ट्रेंड उस साइड में फेवरेबल दिखाएगा। और आप लोग जस्ट ये ट्रेंड और लेवल को देखिए, ज़्यादा से मैंने ये स्क्रीन करके दिखाता हूँ बहुत सारा, इसमें आप लोगों को ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा। इसको मैंने 100 ग्रेटर देन 100 कर लेता हूँ, लेकिन ये ट्रेंड और लेवल देखने में सफिशियंट है। ये मैं क्रॉसओवर हो गया, ये 5813 और 820 क्रॉसओवर हो चुका है और बोलिंजर मिड बैंड का ऑलरेडी हो चुका है, बोलिंजर लोअर बैंड को भी कॉल लेते हैं। किरणर लोअर बैंड को भी कॉल लेता है, किरणर चैनल, ये किरणर चैनल आप लोगों को एक एक जगह एक एक ट्रेड सेटअप दे, एक एक जगह एक एक पैरामीटर का सेटअप दिखाएगा। किरणर चैनल और बोलिंजर बैंड का डिफरेंस 1 से ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन 1.03 के कम होगा। ये मैंने रिसर्च करके देखा हूँ, एनालिसिस करके, कि ये करने से अच्छा ट्रेंड मिलता है। अरे सही छोड़ देता हूँ, इधर कर लेता है थोड़ा सा, ये S3 S4 में चला गया तो ये LTP का पोजीशन पार्सल का हिसाब से, बस आप लोग इतनी नोट कर सकता है इसका लेवल। ये कोई भी साइड में जाएगा, ये लेवल बाय लेवल में आएगा तो बाई कीजिए, सेल लेवल में आएगा तो सेल कीजिए, सेल लेवल में आने का परसेंटेज ज़्यादा है। और कुछ लोग मैं निफ्टी बैंक निफ्टी मांगता है तो इसलिए मैंने ये देखा था, ये आप लोग नोट कर सकता है वीडियो पॉज करके, इसका लेवल भी वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देख ले सकते हैं आप लोग। मैंने ऑप्शन चेन में इसको देखा फर्स्टली, ये देखिए चार्ट में एशियन पेंट का चार्ट, वन डे का चार्ट में, ये देखिए बोलिंग जब मैंने किरणर चैनल को 22 रखा, इधर 22 रखता हूँ, लेकिन बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में वो दूसरा सेटअप आ सकता है, कभी 53 आ सकता है, उसको आपको 22 करना पड़ेगा तो आपको दिखेगा। इधर 21 रहता है नॉर्मली, इधर मैंने 22 का किया है क्योंकि स्टैंडर्ड ये है 22 है। ये देखिए बोलिंजर बैंड आर का पोजीशन, स्टोकास्टिक RSI का पोजीशन, पैराबोलिक सर दिया हूँ, सुपर ट्रेंड दिया हूँ, देखिए सुपर ट्रेंड साइड में दिखाता है सेल साइड में, और मैंने MACD पर भी देख लेता हूँ। देखिए MACD भी नेगेटिव है, और मैंने ऑप्शन चेन एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर जो एशियन पेंट का जो ऑप्शन चेन है 27 सितंबर का, ये देखिए 87 में इसका